नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बॉर्डर टैक्स यानी कि चेक पोस्ट टैक्स ऑनलाइन कैसे पे करते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो की तरफ, और उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर हम बॉर्डर टैक्स पेमेंट लिख कर सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम बॉर्डर टैक्स पेमेंट लिख कर सर्च कर लेते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से परिवहन पोर्टल का लिंक ओपन होकर आ जाता है फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट नंबर पर जो परिवहन पोर्टल का वेबसाइट का लिंक दिख रहा है, हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक करके इसे हमें ओपन कर लेना होता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जैसे ही परिवहन पोर्टल के लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने वेबसाइट ओपन होकर आ चुका है, और हमारा बॉर्डर टैक्स पे करने के लिए हमें यहाँ लेफ्ट साइड की तरफ आ जाना है, और यहाँ पर हमें सेकंड नंबर पर बॉर्डर टैक्स पेमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर बॉर्डर टैक्स पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से तीन और ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन दिख रहा है टैक्स पेमेंट का, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले सेलेक्ट विजिटिंग स्टेट नेम सेलेक्ट कर लेना होता है। आप जिस भी स्टेट में विजिट करने वाले हो वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश विजिट करने वाले हैं, उसके लिए हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें आगे की तरफ आ जाना है, और यहाँ पर हमें सर्विस नेम सेलेक्ट कर लेना है। सर्विस नेम में जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन दिया गया है व्हीकल टैक्स कलेक्शन NCR, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है व्हीकल टैक्स कलेक्शन अदर स्टेट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम NCR के लिए नहीं जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर अदर स्टेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर नीचे गो वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जैसे हम गो वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, और यहाँ पर हमें टैक्स पेमेंट डिटेल फिल कर लेनी होती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें हमें सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर व्हीकल नंबर फिल कर लेते हैं, और व्हीकल नंबर फिल करने के बाद आगे देखिए हमें गेट डिटेल्स का एक बटन दिया गया है, तो हम यहाँ पर गेट डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम व्हीकल नंबर फिल करने के बाद गेट डिटेल्स के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी व्हीकल से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर गेट डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक कर लिया है, और हमारे सामने हमारी व्हीकल से रिलेटेड काफ़ी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन जो है ब्लैंक दिख रहा है, तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन फिल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में हमारे पास जो भी मोबाइल नंबर अवेलेबल है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर फिल कर लिए हैं, और यहाँ पर जो भी ऑप्शन के अंदर स्टार मार्क दिया गया है उसे हमें फिल करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं और भी कौन से ऑप्शन हैं जो हमें फिल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सर्विस टाइप का ऑप्शन दिया गया है जिसे हमें सेलेक्ट करना होता है। तो सर्विस टाइप के अंदर दोस्तों हमें यहाँ ऑर्डिनरी सेलेक्ट कर लेना है, और फिर आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें टैक्स मोड का भी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर हमें टैक्स मोड भी सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी टैक्स मोड सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर मंथली सेलेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर क्वार्टरली और डेज का भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इनमें से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करके आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मंथली सेलेक्ट कर लिया है, और अब चलेंगे आगे की तरफ, और यहाँ पर हमें बॉर्डर बैरियर सेलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर आपको जो भी बॉर्डर सेलेक्ट करने हैं जिस बॉर्डर के थ्रू आप इंटर होकर जाने वाले हैं स्टेट के अंदर,
वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हमें जो बॉर्डर सेलेक्ट करना है और हमारे जो स्टेट में इंटर करते टाइम जो भी बॉर्डर पर बैरियर देखने को मिलेगा वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होता है। तो हम यहाँ पर यूपी में इंटर करने के लिए झांसी से होकर जाने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर झांसी का जो बैरियर है उसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं बैरियर, ठीक है, उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बॉर्डर का जो बैरियर है उसे हमने सेलेक्ट कर लिया है और आगे की तरफ अभी चलेंगे। तो यहाँ पर हमने टैक्स मोड मंथली सेलेक्ट किया था, तो अभी हमें यहाँ पर डेट भी सेलेक्ट कर लेना होता है किस डेट को हम जा रहे हैं और उस डेट से लेके आगे का जो एक महीना रहेगा तब तक का इसका वैलिडिटी रहता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर टैक्स फ्रॉम का डेट सेलेक्ट कर लिए हैं और आगे टैक्स अप टू का डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। और फिर आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर परमिट टाइप दिया गया है, तो इसे हमें टेम्परेरी परमिट ही रहने देना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर हमें और कुछ फिल करना नहीं होता है। तो चलते हैं अभी हम नीचे की तरफ और यहाँ पर हमें सबसे पहले नीचे टर्म्स एंड कंडीशन टिक मार्क करने होते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए एरर भी देखने को मिला है क्योंकि हमने यहाँ पर टिक मार्क नहीं किया था। तो यहाँ पर टिक मार्क कर लेंगे। टिक मार्क करने के बाद अब हम यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अभी दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं टैक्स फ्रॉम और टैक्स अप टू जो डेट दिया गया है और आगे हमें अमाउंट भी दिया गया है कितना अमाउंट हमें बॉर्डर टैक्स का पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहां पर आपका टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और पे करने के लिए बीच में देखिए आपको पे टैक्स का बटन दिया गया है, तो यहाँ पर हमें पे टैक्स वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सारा डिटेल भी फिल कर लिया है और टैक्स भी कैलकुलेट कर लिया है और जो हमारे हिसाब से कि प्रॉपर दिख रहा है। और अभी हम यहाँ पे टैक्स वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। पे टैक्स वाले बटन पर क्लिक करने के बाद एक बार फिर से हमारे सामने कन्फर्मेशन मैसेज ओपन होकर आ जाता है, इसे आपको अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लेना है। अगर सब बराबर है तो नीचे कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करते हैं उसके बाद ये जो है आपको पेमेंट वाले पेज पर रिडायरेक्ट करके ले जाता है। अभी यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेना होता है, तो हम यहाँ पर SBI का पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आगे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम नीचे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर कार्ड पेमेंट और नेट बैंकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप कार्ड पेमेंट या नेट बैंकिंग में से दोनों में से जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट करके आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम यहाँ नीचे अदर बैंक नेट बैंकिंग का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें बैंक सेलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पर ICICI बैंक के द्वारा पेमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पर ICICI बैंक का ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करके मेक पेमेंट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। अभी दोस्तों यहाँ पर हमें हमारा बैंक का यूज़र ID और पासवर्ड फिल कर लेना है। तो यूज़र ID पासवर्ड फिल करने के बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे और फिर यहाँ पर दोस्तों मोबाइल OTP फिल करने के बाद हमारा पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और अभी दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली करने के बाद जैसे ही हम थोड़ा टाइम वेट करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से चेक पोस्ट टैक्स ई रिसिप्ट ओपन होकर आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर चेक पोस्ट टैक्स ई रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए ऊपर की तरफ ऑप्शन भी दिया गया है, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप यहाँ से चेक पोस्ट टैक्स ई रिसिप्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको चेक पोस्ट टैक्स का रिसिप्ट PDF के तौर पर चाहिए तो आप यहां से सेव एज PDF करके डायरेक्टली इसे PDF के तौर पर आपके कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से चेक पोस्ट टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन जाकर आसानी से कर लिया है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
इसी के साथ चलते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।